and help me welcome on the stage Diamonds Going Camp Manish and Dimple Kaptawala. Side up! Fired up! अभी में कमी लग रही है. Are you all excited? कितने लोग चाहते हैं कि हर एक फंक्शन यहाँ पर होने चाहिए? एक्साइटेड रह सकते हैं, फायर अप रह सकते हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. दोस्तों, मेरा नाम है मनीष खपतावाला और ये मेरी वाइफ, जो अभी आपको सीडी में भी देखा होगा आपने कि डिंपल खपतावाला. ऑफिशियल नेम डिंपल है, लेकिन मैं बार बार हीना करके बोलूंगा तो ऐसा मत समझना कि दो नंबर वाला केस है, एक नंबर का ही केस है. लेकिन नाम दो रखा है, लोग दो दो पात्र रखते हैं, हम दो नाम रखते हैं और कोई फर्क नहीं है. क्योंकि जब हमारा शादी हुआ तब से हमने उनको हीना के नाम से हमारे घर में नाम चेंज किया, तो हमारे टीम में, घर में, सब जगह उसको हीना के नाम से जानते हैं. तो अगर हीना करके बोलू तो समझ लेना डिंपल ही है. हेलो, क्लियर. मेरा नाम है मनीष कप्तावाला, मैं सूरत से आया हूं और सूरत को बोलते हैं डायमंड सिटी. और वहां से हमें भेजा गया है कि सबसे ज्यादा आपको डायमंड ब्रेक करना है. कितने लोग डायमंड जाने के लिए तैयार है? मैं तो बार बार पूछूंगा आपको, और जिसने हाथ खड़ा नहीं किया तो रह जाएगा. हेलो, कितने लोग डायमंड जाने के लिए तैयार है? यस. दोस्तों, थोड़ा पहले मैं मेरी बात बताऊं तो मैं सूरत से हूं और पहले रिलायंस कंपनी में नौकरी करता था. ये बिजनेस मैंने पार्ट टाइम किया था, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको मेरी बात बताऊं तो मैंने स्टडी कंप्लीट किया, और स्टडी कंप्लीट करने के बाद इमीडिएट मुझे कंपनी में नौकरी मिल गया. मैं जहां पर सूरत में रहता हूं वहां पर से रिलायंस का रास्ता जाता है. मैं जब स्टडी कर रहा था तो मेरा ड्रीम था कि मुझे नौकरी करना है तो रिलायंस में करना है. जब रिलायंस में नौकरी मिला तो मैं बहुत एक्साइटेड था. दूसरा मेरा एक सोच था कि मुझे इतना सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन नौकरी में लगा तो इतना नहीं मिला, इतना मिला. यानी सोचा था उससे 5 गुना सैलरी मिला, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि यार मेरी लाइफ में मुझे जो चाहिए वो सब मिल गया, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी लाइफ यहीं से आगे बढ़ेगी. लेकिन मैं बचपन से बहुत ही ड्रीमर्स हूं, हम लोग बहुत ही तकलीफ में पले बड़े हुए हैं. मेरे फादर का बैकग्राउंड कुछ खास नहीं है, मेरी मदर का कुछ खास नहीं है. हम लोग ने जीवन में एक ही चीज देखा था बचपन से, तकलीफ, तकलीफ, तकलीफ और सिर्फ तकलीफ. तो एक ड्रीम्स बन गया था कि लाइफ में सब कुछ चाहिए लेकिन तकलीफ नहीं चाहिए. तो जब नौकरी मिला तो मुझे ऐसा लगा कि अभी सब तकलीफ दूर हो जाएगी और मैं सक्सेस हो जाऊंगा. कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जो जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन मिला तो लगते ही, नौकरी में लगते ही वो ड्रीम बना लेते हैं कि अभी मुझे यहां से रिटायर होना है, 7 साल तक यही जॉब करना है. खास करके गवर्नमेंट जॉब वाले सोचते हैं. कई लेडीज ने तो शादी इसलिए की क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट जॉब है. हेलो, महापुरुष को नहीं देखा, उसकी जॉब को देख के शादी किया. हेलो, और वो बेचारा पुरुष, वो तो उसकी वाइफ महापुरुष मानती है ना. वो बेचारा पुरुष वो समझता है कि अभी 7 साल तक यही नौकरी को पकड़ते 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 रहना है. मैं रिलायंस में नौकरी करने लगा 21 साल की उम्र में नौकरी पे लगा. आप मानेंगे नहीं, लगा तो बहुत एक्साइटेड था कि हा पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा. 2 साल, सिर्फ 2 साल में थक गया. कितने साल में? और लोग 7 साल तक भी थकते नहीं है. मैं तो बोलता हूं जो रिटायर होते हैं ना, आपकी बात नहीं कर रहा हूं. हाँ, मुझे यहां से वापस गुजरात सूरत जाना है, तो कोई भी बात करूं तो समझ लेना मैं सूरत वालों की बात कर रहा हूं.
आप लोग तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी बात कभी नहीं करूंगा। हेलो, बराबर है। तो हमारे सूरत वाले तो ऐसा सोचते थे कि अभी तो 7 साल तक यही नौकरी करना है। अभी मैं तो बोलता हूं, जो 7 साल तक नौकरी करता है ना, उसको तो परमवीर चक्र देना चाहिए। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हेलो, सूरत वाले की बात कर रहा हूं। क्यों? मैं जब नौकरी कर रहा था ना, मैंने सोचा कि 2 साल में मैं थक गया। क्यों थका? मुझे लगा कि यही काम बार 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 करते मैं मेरी लाइफ में कहां पहुंचूंगा। हमारी कंपनी में एक नियम था, जो घोड़ा होता है ना, घोड़ा एम्प्लॉयज, जो घोड़ा होगा उसको 4 साल में प्रमोशन मिलेगा, लेकिन जो गधा होगा उसको भी 4 साल में प्रमोशन मिलेगा। अभी गधे बन नहीं सकते, घोड़े रह नहीं सकते, तो करेंगे क्या? तो मैं समझ गया, बॉस अपने से 7 साल तक नौकरी होने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। 7 साल मैं अपने आप को पूछता था कि मेरा जन्म हुआ, कई लोग होते हैं ना, किसी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए गिफ्ट पैकेज में ऊपर से आया है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सूरत वाले की कर रहा हूं। मुझे लगता था मैं तो धीरू भाई के लिए आया हूं ऊपर से। मैंने जन्म लिया, मां बाप ने पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, नौकरी के काबिल बनाया, नौकरी में लग गया रिलायंस में। अभी कितने साल नौकरी करना है? कितने साल? 7 साल। और 7 साल के बाद आदमी जब रिटायर होता है तो क्या सोचता, क्या है, क्या सोचता है? बस अभी भगवान बुला ले, टाइम हो गया, सब हो गया। सूरत वाले ऐसा सोचते हैं। तो भाई नीचे नौकरी करने के लिए आया था क्या? हेलो, मुझे पता है यहां पर एक भी आदमी ऐसा नहीं है। यहां पर जितने लोग बैठे हैं ड्रीमर्स है, जो ड्रीम पूरे करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है। सही बात है। हेलो, कितने लोग ड्रीमर्स है? वो तो एक जरिया है जो भगवान ने आपको दिया आगे बढ़ने के लिए। 2 साल में थक गया, मैंने सोचा कुछ करना पड़ेगा। मैंने इंश्योरेंस का पॉलिसी, मैं इंश्योरेंस एजेंट बन गया। एजेंट बनने के बाद पहले ही साल करोड़पति बीमा एजेंट बन गया। कौन सी उम्र? 23 साल की उम्र। 24 साल की उम्र में ये बिजनेस मेरे हाथ में आया। रात को 11 बजे नौकरी करके मैं पूरा थक चुका था, हार चुका था, मेरे अंदर खून नहीं था। हेलो, जिंदा लाश। जितने लोग नौकरी पे जाते हैं ना, मार्केटिंग और वो सब, वो जब घर पे आता है ना, तो वो इंसान इंसान नहीं रहता है। हेलो, वो उसकी वाइफ को ही पता होता है कि हाँ इंसान आई वो, क्या मुर्दा लाई वो, कौन आई वो। सही है। हेलो, तो रात को 11 बजे मैं कंपनी की बस से नीचे उतरा, और हमारे कंपनी वाले जितने हैं ना सूरत में, उनको ऐसा निचोड़ लिया जाता है कि लास्ट में चेक करते हैं कि इसके अंदर खून बचा तो नहीं है ना। और घर पे कैसे आते हैं पता है हम लोग? आपको अगर कोई पीछे आएगा ना, पीछे, तो लगेगा यहां से कोई सांप गया है। अभी ऐसे मैं घर पे पहुंचा तो घर पे मेरा स्पॉन्सर बैठा था, जिन्होंने मुझे ये बिजनेस प्लान दिखाया, और जिसका नाम है रवि प्रकाश एंड मंजू शाह। दोस्तों, जोरदार ताली उसके लिए। प्लान दिखाया उन्होंने, जैसे प्लान चालू किया मैं सो गया। भाई ताकत भी तो होना चाहिए। और प्लान खत्म किया तो मैं उठ गया, और उठने का भी कारण था, उसने क्या लिखा पता है? ये बिजनेस तुम पार्ट टाइम करोगे तो तुमको रुपया मिलेगा। मैं बोला मेरे खानदान में किसी ने नहीं देखा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप लोग तो प्लान देख के आए हैं। हाँ, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैंने प्लान देखा नहीं है, मैंने सिर्फ रवि प्रकाश को देखा है, इसलिए मैंने ये बिजनेस को ज्वाइन किया कि ये आदमी कभी गलत काम नहीं कर सकता।
आजकल तो इतने ज्ञानी लोग होते हैं, उसको पूरा प्लान समझाओ, उसको गूगल पे दिखाओ, उसको सब कुछ दिखाओ, फिर भी वो बोलेगा दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ऐसा करेगा ऐसा। अरे भाई, ये चाय का धंधा नहीं है दोस्त, ये बिजनेस सब लोग नहीं समझेंगे, बहुत कम लोग समझेंगे जिसके पास खुद का सपना है, और जो लोग दूसरों के सपने पूरे करने में मदद कर सकते हैं वही लोग ये बिजनेस करेंगे और कोई नहीं करेगा। क्या आपके पास खुद के सपने हैं? क्या आप दूसरे के सपने पूरे कर सकते हैं? तभी यह बिजनेस होगा दोस्त। आपको मेरी पर्सनालिटी देख के लगता होगा कि ये बहुत बड़ा कुछ पढ़ा लिखा आदमी होगा, सही बात है? कितने लोगों को लगता है कि मैं हाईली एजुकेटेड आदमी हूं? देखो, इसको भी यही लगा था, वो भी रिलायंस की नौकरी देख के आई थी, हेलो। लेकिन कई बार गलती से भी अच्छा डिसीजन आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं। मेरा क्वालिफिकेशन बताऊं? हाँ, भाग नहीं जाएंगे ना। मैं आईटीआई फिटर हूं। अभी आईटीआई फिटर यानी क्या? आईटीआई फिटर क्या? जो आदमी कुछ पढ़ लिख नहीं सकता वो फाइनली आईटीआई फिटर बनता है, हेलो। पहले लोगों को लगता था कि आईआईटी वाला है, आईटीआई, आईआईटी। लेकिन अभी कंपनी ने भेजा था कलकत्ता आईआईएम में, और आईआईएम का डिग्री भी हमारे पास अभी है, हेलो। लेकिन बेस्ट बात क्या है पता है? आईटीआई और आईआईएम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके दिमाग में क्या है उससे आपकी लाइफ में फर्क पड़ता है दोस्त, हेलो। एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके पास दिमाग में क्या है। भले मैं आईटीआई फिटर हूं, लेकिन मेरी सोच करोड़ोंपति वाली सोच है, इसलिए मैं आज डायमंड हूं और क्राउन एम्बेसडर तक जा रहे हैं हम लोग दोस्तों, हेलो। और ये सोच ब्रिट वर्ल्डवाइड के कारण बदली है दोस्त। सिस्टम, विदाउट सिस्टम कुछ भी नहीं होता है बॉस। मुझे बताइए, गाय माता जो होती है दूध देती है, हेलो। कितने लोग कहते हैं गाय माता दूध देती है? कितने लोग? गलत, निकालना पड़ता है, हेलो। कभी देखा है गाय आ गई और दूध निकल गया? क्या करना पड़ता है? हाँ, फॉर्म भरने से डायमंड नहीं होते हैं। डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ता है? दूध नहीं भाई, हाँ। वहां से बोल रहे दूध निकालना पड़ता है। डायमंड बनने के लिए काम करना पड़ता है, और काम के लिए दोस्त अगर आप मेरी बात करो दोस्त, मेरे पास एक भी क्वालिटी नहीं था कि मैं डायमंड बनूं। ना मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, ना मेरा एजुकेशन ऐसा था, ना मेरे पास कोई उम्र थी। आप सोचो, 24 साल की उम्र, 24 साल की उम्र में ये बिजनेस में आया था। मैं लोगों को प्लान दिखाने जाता था। पहले मेरे अंकल के पास गया तो अंकल बोलता है तुझे चड्डी पहनना तो मैंने सिखाया। तब मुझे लगा ये चड्डी और डायमंड से क्या लेना देना है। दूसरे भाई साहब के पास गया तो बोले तेरे पास तो अभी मूंछ का डोरा भी नहीं आया है, अभी मुझको और डायमंड को क्या लेना देना है। लेकिन दोस्त, मेरे अंदर वो गट्स था, मैं टीचेबल था, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। मैं 24 साल की उम्र में ये बिजनेस में आया, 26 साल की उम्र से मैं और हीना एक रिटायरमेंट आदमी की तरह जिंदगी जीते हैं दोस्तों। और ये क्यों हुआ, ये होने का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है आपको? सिस्टम, ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम, राइट। जोरदार ताली ये ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम के लिए दोस्तों। थैंक गॉड, भगवान ने एक ऐसे व्यक्ति को अमेरिका में जन्म दिया जिसका नाम है बिल ब्रिट, जिन्होंने ये सिस्टम बनाई।
थैंक गॉड कांटी लता गाला, थैंक गॉड कुलीन मिला देसाय, थैंक गॉड कुमार शिवराम कृष्णन, थैंक गॉड राजन संगीता सा, थैंक गॉड तीर्थंकर एंड सुपर्णा दत्ता के ऐसे ऐसे लीजेंड कपल को ब्रिट वर्ल्ड वाइड में डाला और उन्होंने पूरा नक्शा इंडिया का बदल दिया। दोस्त इन सबके लिए दिल से एक जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों ये बिजनेस देखो, कोई भी बिजनेस बाहर ले लो, कोई भी गवर्नमेंट ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी घर ले लो, कुछ भी ले लो, हर जगह एक सिस्टम होता है कि नहीं होता है। दोस्त यहां पर भी सिस्टम है और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सिस्टम देखो, आदमी को ग्रो करने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। अगर आदमी के पास दिमाग है तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई एजुकेशन, कोई बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं था, ना तो मेरी ऐसी पर्सनालिटी थी कि मैं डायमंड जैसा दिखूं, लेकिन दोस्तों मैंने और हिना ने इनोसेंटली 100% ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड को अपने आप को सबमिट कर दिया। ब्रिट वर्ल्ड वाइड कई लोगों को लगता है कि भाई सिस्टम की क्या जरूरत है। दोस्तों एक बार आपके घर में से सिस्टम हटा दो क्या होगा, एक बार बाहर रोड पर से सिस्टम हटा दो क्या होगा। सिस्टम हर जगह जरूरी है और सिस्टम का फायदा क्या होता है, हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड में सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है। दोस्तों सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है आपका मनी, पैसा आपका बच जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, आपको आपका एनर्जी आपका बच जाएगा। आज आपको लगता है कई लोग आए होंगे जो ये फंक्शन में बैठे हैं, लेकिन कई लोगों ने पैसा भी नहीं दिया होगा। जिन्होंने इनवाइट किया उसने पैसा दिया है उसका। दोस्तों मैं आपको कहता हूं, धंधे का पैसा अगर खुद का नहीं रहेगा तो वो काम नहीं करेगा, इतना समझ लेना। आज आप यहां पर आए हैं, ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, कोई स्पीकर कहां से आया है, कौन कहां से आया है, आप लोग कहां कहां से आए हैं, लेकिन ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने एक छत के नीचे ये फंक्शन को अरेंज किया। आज बहुत सारे डायमंड का नॉलेज आपको मिलेगा और एक सोच आपके अंदर एक ऐसी सोच आएगी जिससे आप टोटली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, टोटली आपका बिजनेस चेंज हो जाएगा, टोटली आपकी बैंक बैलेंस चेंज हो जाएगी। सिस्टम का पावर हमारे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए गाड़ी है तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड आपके लिए फ्यूल है। अगर आदमी है तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड उसका हार्ट है। हार्ट ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में सिर्फ वही कंपनी लीड करेगी जिसके पास सिस्टम है, और थैंक गॉड वी आर इन द ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। दोस्तों हम एक कैसेट लेते हैं, कैसेट हमें लगता है कैसेट है, कैसेट सीडी, बस वो एक सीडी नहीं है। अगर आपने एक डायमंड का सीडी सुना तो आपको पता है आपके अंदर 10 साल का एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपने मेरा एक सीडी लिया, आपने कुलीन देसाई का एक सीडी लिया, कुलीन देसाई कितने सालों से बिजनेस में है, मोर देन 25 इयर्स। आपने एक सीडी लिया, वो सुना, कुलीन देसाई का 25 साल का एक्सपीरियंस उसके अंदर है जो आपके ब्रेन में चला गया, यानी एक सीडी इज इक्वल टू मोर देन 20 इयर्स एक्सपीरियंस आपके दिमाग में जाता है। यह है सिस्टम। एक बुक कोई ऑथर लिखता है, उसके सालों की तपस्या, सालों का उसका एजुकेशन, सालों का उसका नॉलेज वो एक बुक के अंदर डालता है, और वो बुक जब हम पढ़ते हैं तो उतने साल का एक्सपीरियंस हमें मिल जाता है सीधा सीधा, और जिसके कारण हम छोटी नहीं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी हम संभाल सकते हैं। आज हमारा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर मनीष और हीना के लाइफ में से ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम हटा दो तो वी आर नथिंग, हम लोग नहीं संभाल सकते इतने बड़े बिजनेस को। थैंक गॉड ब्रिट वर्ल्ड वाइड हमारी लाइफ में है। सीडी, बुक्स एंड फंक्शंस। आपको लगा
900 रुपया पानी का एक ग्लास भी नहीं, एक समोसा भी नहीं। तो भाई तू समोसा के लिए आया था के दिमाग के समोसे के लिए आया था? हेलो, यहां पर आज 900 रुपये में आपको ऐसी चीज सीखने को मिलेगी, आपके अंदर ऐसा केमिकल बदलाव होगा कि आप भी यहां से डायमंड बन के बात करेंगे, उसका 900 रुपया है। हेलो, ये फंक्शन से क्या होता है? ये फंक्शन से, सीडी से, बुक से क्या होता है? ये फंक्शन से होता है, आपके अंदर एक बदलाव होता है। यहां फंक्शन में आते हो आपको एक पॉजिटिव माहौल मिलता है, फंक्शन में आते हो आपके नए नए सपने बनते हैं, फंक्शन में आते हो तो आपको एक स्ट्रांग बिलीफ मिलता है कि मैं भी कर सकता हूं, फंक्शन में आते हो तो आपके अंदर जितनी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है, फंक्शन में आते हो तो आपके हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं, फंक्शन में आते हो तो अपलाइन एंड डाउनलाइन के रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं, फंक्शन में आते हो एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपका बढ़ता है, फंक्शन में आते हो आपका नॉलेज बढ़ता है, फंक्शन में आते हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड वाइड बढ़ता है। फंक्शन में क्या कुछ नहीं होता है दोस्तों, पूरी आपकी लाइफ बदलने वाला है। मैं तो चाहता हूं कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड के स्टाफ के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। वो लोग हमारे लिए सोचते हैं कि आपको कितनी अच्छी सुविधा दी जाए। अभी माई टिकट एप्स लॉन्च किया, पहले सब फिजिकल होता था, अभी सब डिजिटल हो गया। पहले टिकट अपलाइन के घर लेने जाना पड़ता था, अभी अपलाइन वहीं से सेंड करता है और आपके वॉलेट में आ जाता है। कितना टाइम बच गया आप देखो, कितना बढ़िया एप्स बनाया। आज अच्छा लगा आपको एंट्री लेने के टाइम पे? हेलो, डिजिटल स्मार्ट टच बनाया, कोई भी तकलीफ है उसका हल है ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। अभी आपके स्मार्टफोन में आपको सीडी कहीं पर भी सुनना है, हस्बैंड और वाइफ दोनों के मोबाइल में आप डाउनलोड कर लीजिए, आप कहीं पर भी सुन सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं, अच्छी बात है। हेलो, अभी एक नया वेबसाइट वो लोग डेवलप कर रहे हैं ब्रिज करके, आपके अपलाइन घर पे बैठे बैठे हर एक सिटी के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को, हर एक लीडर को वो घर पे बैठे बैठे गाइड कर सकते हैं, वन टाइम में हजारों लोगों को कवर कर सकते हैं। ऐसा एक एप्लीकेशन ब्रिट वर्ल्ड वाइड डेवलप कर रही है, जोरदार ताली ब्रिट वर्ल्ड वाइड के लिए दोस्तों। ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है आपको? ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में आपको मुफ्त में एक आदमी मिल जाता है, मुफ्त में, और वो है आपका अपलाइन मेंटर। लोग उसकी कदर नहीं करते हैं दोस्तों। आज मनीष और हीना उसकी लाइफ में जो कुछ भी है एक कपल की बदौलत है। थैंक गॉड कि मैं ये बिजनेस में आ गया, थैंक गॉड मैं ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में आ गया, और थैंक गॉड भगवान ने मुझे वो कपल दिया जो आज की तारीख में मेरा बड़ा भाई समझ लो, मेरे माँ बाप समझ लो, मेरा अच्छा फ्रेंड समझ लो, मेरा अच्छा गुड वेल विशर समझ लो। आज हमारा लाइफ में जो कुछ भी है वो कपल की बदौलत है। ही इज नन अदर देन रवि प्रकाश एंड मंजूषा। जोरदार ताली दोस्तों। ये बिजनेस में मेंटरिंग प्रोग्राम है, और ये मेंटरिंग प्रोग्राम को आप समझो दोस्त। अगर आप कोई भी स्टार को सुनेंगे ना, अभी मार्केट में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर रहते हैं, कई नए लोगों को लगता होगा ये मोटिवेशनल स्पीकर है। नो, वी आर नॉट मोटिवेशनल स्पीकर। हम लोग ब्रिट वर्ल्ड वाइड के स्टेज से जो बात करते हैं, हम लोग एक दिन जीरो थे, आज हीरो बने हैं आपकी नजर में, लेकिन हम ऐसे हीरो हैं जो आपको भी हीरो बना सकते हैं, ऐसे हीरो है। हेलो, एक चीज बताइए, गवास्कर अपने बेटे को गवास्कर बना पाया क्या? हेलो, अमिताभ बच्चन अपने बेटे को अमिताभ बच्चन बना पाया क्या? सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को सचिन तेंदुलकर बना सकता है, लेकिन एमरॉल्ड और डायमंड आपको एमरॉल्ड और डायमंड जरूर बना सकता है। हेलो, ये सिस्टम में जो लोगों ने कुछ किया है,
जो लोग स्टेज से बात करते हैं उन्होंने कुछ किया है तभी आपसे बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि अभी हमारे बाद जो भी लीडर आते हैं ध्यान से सुनिए समझिए, क्योंकि हमारे बिजनेस की सिक्योरिटी एक ही चीज है, ग्रिड वर्ल्ड वाइड सिस्टम। जहां पर आपको लगेगा कि नहीं मैं भी कर सकता हूं, 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 और एक दिन ऐसा आएगा कि आप और आपकी वाइफ और आपके बच्चों का यहां से हैंड रेजिंग होगा, आपके अपलाइन मेंटर डायमंड आपका हैंड रेजिंग करेंगे, और उस दिन आपका सपना भी पूरा होगा जो आज आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। क्या तैयार है? और दोस्तों ये सिस्टम ने सिखाया हमें हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप। समाज तो हस्बैंड एंड वाइफ को कुछ अलग मानती है, लेकिन हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो लेडीज को सबसे पहले रिस्पेक्ट देती है। हम दोनों एंगेजमेंट के टाइम से ये बिजनेस में है, एंगेजमेंट हुआ था तब से, और एंगेजमेंट के टाइम पे हमने बिजनेस को ज्वाइन किया था। मैं मेरे एक मिनट में शादी कैसे हुआ उसकी बात करता हूं। तो ये हिना के साथ मेरा एंगेजमेंट जो हुआ उसके पहले चार बहनों ने मुझे मना कर दिया, समझ गए? चार अभी तो बहन ही है ना, अभी अपना कोई हक नहीं है। थैंक गॉड पांचवी बहन नहीं बनी। कई बार लगता है कि भाई मेरे साथ ही क्यों होता है, वो चार में से तीन लोगों की तो किट रिटर्न हो चुकी है ना, नहीं समझे? घर पे जाके वाइफ को पूछ लेना, वो समझा देगी। लेकिन थैंक गॉड वो पिक्चर आता है ना, रब ने बना दी जोड़ी, थैंक गॉड मैं भगवान को हर रोज, भगवान को जब भी सेल्फ टॉक करता हूं तो मैं भगवान को थैंक्स करता हूं कि तूने मेरी लाइफ में हिना को भेजा। दोस्तों आज हम दोनों मिलके ये बिजनेस को 100% बिल्ड करते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि मैं 90% करता हूं, 10% मैं करता हूं, 90% ये करती है, ऐसा नहीं। हम दोनों 100% ये बिजनेस को बिल्ड करते हैं। हमारे दो बच्चे हैं, मेरी 16 साल की बेटी है, 11 साल का बेटा है, बेटी का नाम है रिद्धि और बेटे का नाम है हिमांक। वो दोनों भी हमारे हमें बिजनेस में बहुत सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों हिना ने बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले किया मेरी लाइफ में, बिजनेस में। आज हमारी एंटायर टीम में उसको लोग अलग तरीके से देखते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उसने कुछ स्पेशल काम किया है। मैं काफी टाइम से हिना को सुपर वुमेन कहता था अभी, लेकिन अभी एक पिक्चर आया पता है, सीक्रेट सुपरस्टार, तो वो रियल वर्ड है कि सी इज माई सीक्रेट सुपरस्टार। इतना नजर देन हिना कप्ता वाला, जोरदार ताली दोस्तों। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही खुश है, क्योंकि आज ये एफईडी स्टेज से आज हम आपको हमारे बारे में बताएंगे, हमने ये बिजनेस में कैसे सक्सेस पाई। और जैसे मनीष ने उनके बारे में बताया, मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहूंगी कि हम लोग, मैं भी सूरत से ही हूँ और बहुत ही सिंपल फैमिली से आई हूँ, और मेरा भी एजुकेशन इतना नहीं है, लेकिन लाइफ में थोड़े बहुत हमारे ड्रीम थे जिसको हमको पूरा करना था। और ये बिजनेस हमारे पास कैसे आया मैं आपको वो चीज बताऊंगी, क्योंकि जैसे मनीष ने बताया, जो हमारे अपलाइन मेंटर है रोहित प्रकाशन मंजूसा, एक बार उनके लिए जोरदार क्लैप हो जाए, उनके थ्रू ये बिजनेस हमारे पास आया था। मनीष पहले जो जॉब करते थे उसके साथ वे थोड़ा बहुत साइड में दूसरा भी बिजनेस करते थे, लेकिन जब ये बिजनेस हमारे पास आया तो मैंने एक ही चीज सोचा, क्योंकि ये बिजनेस में कई बार कई लेडीज ऐसा होता है कि भाई पहले नेगेटिव होते हैं, बाद में फिर बिजनेस पता चलता है, पैसा आता है, फिर वो पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। मैंने डे वन से वही सोचा था कि जो हस्बैंड जो भी फील्ड में जो काम करते हैं उसमें हमको बस थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट करना है, बस ही मेरा माइंडसेट। और जैसे ये बिजनेस हमको पता चला कि बिजनेस में ऐसे ऐसे काम करेंगे, थोड़े सपने पूरे होंगे, और वैसे भी हम लोग पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे थोड़ी एक छोटी इनकम के लिए, तो हमने वही सोचा कि चलो भाई कुछ नहीं तो भाई ये बिजनेस करेंगे।
तो पैसा आएगा, थोड़ा बहुत हमारे ड्रीम पूरे होंगे, ये सोच के मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। जब ये हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, बहुत ही कम एज थी हमारी, करीबन मेरी एज 20 या 21 साल की थी जब ये बिजनेस में मैं एंटर हुई थी। इतना कुछ पता नहीं था क्योंकि ये एज में जनरली लोगों का स्टडी चलता है, लाइफ में वो लोग एंजॉय करने का सोचते हैं। लेकिन हमने उस समय पे वही ड्रीम लिया था, ये बिजनेस में हमको बहुत ही फास्ट ग्रो करना है, क्योंकि हमने हमारी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस देखे थे, काफी सारी चीज को हमको पोस्टपोन करना पड़ा था। और जब हमारी शादी हुई तो हमने वही स्ट्रांग डिसीजन लिया कि बहुत ही जल्दी ये बिजनेस को फास्ट बिल्ड करते, क्योंकि जब हमारे बच्चे होंगे तो हमारे बच्चों को ये दिन देखना ना पड़े कि उसको सेक्रीफाइस वाली लाइफ हमको उनको देनी नहीं थी। ये हमारा सबसे बड़ा रीजन था ये बिजनेस को फास्ट ग्रो करने का। और हमने ये बिजनेस में बहुत ही सिस्टमेटिकली बिजनेस को बिल्ड किया। डे वन से हम सिस्टम में प्लग थे, हमारा एंगेजमेंट हुआ था, सभी मीटिंग फंक्शंस में मैं जाती थी, शादी की बात तो कोई सवाल नहीं था, उनको 100% सपोर्ट करना था। और ज्वाइंट फैमिली था तो सभी चीज को हमने मैनेज किया, ऐसा नहीं था कि भाई बहुत ही पॉजिटिव फैमिली था, लेकिन हमने लाइफ में हमारे सपने इतने स्ट्रांग थे कि ये सब चीज हमारे सामने नहीं आते थे। हमने ये ऐसे फंक्शन में आते थे और यही सीखा था कि अगर आपको लाइफ में कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ को कुछ चीज को आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, यही हमारा माइंडसेट था। और हमने ये बिजनेस को बिल्ड किया। ये बिजनेस में हमने एक चीज को देखा है कि अगर हम लोग सिस्टम से ये बिजनेस को बिल्ड करेंगे ना तो कभी भी हमको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। हमारी टीम में सभी लोग बहुत ही फास्ट ग्रो करेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ बिजनेस बिल्ड करेंगे। और ये देखिए, लेडीज के लिए सबसे अच्छी बात क्या है पता है, आपके हस्बैंड कोई भी जॉब बिजनेस प्रोफेशन में हो, चाहे कितना भी पैसा वो कमा भी ले, लेकिन जो वैल्यूज जो होती है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, बच्चों के बीच में, फैमिली के बीच में, वो वहां पे नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है, पैसा बहुत ज्यादा होता है उसी की वजह से। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या है, सिस्टम में बहुत सारी चीज सिखाते हैं, कैसे वाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे इनलॉज के साथ बिहेव करना है, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनको टेकल करना है, ये सब चीज हमको ये सिस्टम में सिखाया जाता है। ऐसे फंक्शन में आते हैं तो हमको वो सब चीज सीखने को मिलती है। तो लेडीज के लिए सबसे अच्छी सिक्योरिटी ये बिजनेस में बहुत ही है, क्योंकि अगर हम लोग हस्बैंड को सपोर्ट करेंगे तो ये सब चीज हमको मिलेगी। एक तो पैसा मिलेगा, लाइफस्टाइल मिलेगी, रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आप देखेंगे हस्बैंड कितना अच्छा आपके बारे में बात करेंगे, वो बहुत ही अच्छी चीज लगती है, राइट। क्योंकि आज देखिए मनीष इतना सब कुछ मेरे बारे में बताते, मुझे ऐसा लगता है कि सही में मैं वो चीज को डिजर्व करती हूँ, क्या मैंने इतना सब कुछ किया है। लेकिन ये सिस्टम की वजह से आज टोटली हमारे अंदर जो चेंज आया है ना, इसी की वजह से आया है फ्रेंड्स। जैसे बोलते हैं ना कि एक धागे में अगर मोती को जितने भी मोती पड़े हैं उसको अगर डाल दिया जाए तो वो एक पूरा माला बन जाता है, राइट। वैसे ये बिजनेस में क्या होता है पता है, ये जो सिस्टम है ना वो एक धागे का काम करता है। जितने भी लोग इधर इधर है अगर वो सिस्टम में आ जाए, बिजनेस मीटिंग में आना चालू करे, फंक्शन में आना चालू करे, बुक स्टेप्स सुनना चालू करें, तो वही एक जो हमारा सिस्टम का वो जो धागा है उसमें वो धीरे धीरे पोरोना चालू हो जाएगा और बहुत ही बड़ा उनकी एक माला बन जाएगी, राइट। तो ये सिस्टम हमको ये सब कुछ सिखाती है। आज मेरे अंदर जो चेंज आया है इतना, एक्चुअली मैं बहुत साई नेचर की थी, सबके सामने बोलना मुझे पसंद नहीं था, इवन मैं बोलती भी नहीं थी, लेकिन आज ये सिस्टम में, ये बिजनेस मीटिंग में आते आते, ये फंक्शन में आने के बाद, टेक्स्ट बुक सुनने के बाद, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, राइट। तो बहुत सारी चीज ये बिजनेस आपको देगा फ्रेंड्स, मैं आपको इतना जरूर बताऊंगी। आपको अगर सक्सेस पानी है, एमरल्ड डायमंड जाना है, ये स्टेज पे अगर आप आपका खुद का रिकॉग्निशन चाहते हो आपके फैमिली के सामने, आपके बच्चे के सामने, बहुत ही जल्दी बिजनेस को फास्ट बिल्ड करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज को हमको पोस्टपोन करना पड़ेगा, हो सके प्रायोरिटी आप ये बिजनेस को दीजिए, ये फंक्शन को दीजिए, ताकि क्या होगा कि आने वाले दिनों में यही फंक्शन है जो आपके आगे का जो ड्राइवर है आपके बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए वो काम में आएगा, राइट। हमने इसी चीज के ऊपर फोकस किया है, इसलिए इतनी कम एज में हमने ये जो सक्सेस पाई है यही हमारा रीजन है। क्योंकि हमारे बिजनेस में आप देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज्यादा एज में भी है, फिर भी हम लोग क्यों उनको गाइड करते हैं, क्योंकि हमने डे वन से इसको फॉलो किया था, ये सिस्टम में प्लग रहे थे, इसकी वजह से आज हमारे अंदर ये सब कुछ हुआ है, राइट। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, आप भी सिस्टम के साथ प्लग हो जाइए, आपकी टीम को सभी को यही चीज को सिखाना है हमको। और ये जो मनीष ने काफी सारी बात की डिजिटल
ये वो, उसके अंदर सबको इन्वॉल्व करना है, राइट? ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगे, वो कर सकते हैं, क्योंकि आज के जनरेशन को यही चीज में मजा आता है, राइट? तो उसको हमको इंक्लूड करना है। ये बिजनेस में भी अगर आपको डायमंड जाना है, ईडीसी जाना है और उसके आगे के लेवल पे जाना है ना, तो आपको भी ऐसे फंक्शन में आना पड़ेगा, बाहर जो लंबी लाइन लगी है उसमें आपको लगना पड़ेगा, सीडी सुननी पड़ेगी, बुक्स खरीदनी पड़ेगी। ये अगर सब कुछ आप करेंगे तभी जाके आप स्टेज पे आएंगे, राइट? आप अगर कुछ ना, लाखों रुपए भी अगर पे करेंगे, डायमंड मान लो आपके घर पे आगे कुछ बता भी देता है, लेकिन ऐसा माहौल, ये उनके अंदर का जो एक्सपीरियंस है, यहाँ स्टेज से जो बात करते वो आपको नहीं मिलेगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, आप जाके आओ, कई लेडीज का ऐसा रहता है कि मैं बिजी हूँ, आप जाके आओ और क्या हुआ मेरे को बता देना, राइट? वो यहाँ पे आके वो चीज को महसूस करना, फील करना, यहाँ पे डायमंड का रिकॉग्निशन होगा, रॉकी म्यूजिक बजेगा और अंदर से जो हमारे अंदर जो ड्रीम बिल होता है ना, वो आपको घर बैठे बैठे नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। अगर आपको सही में आप चाहते हैं कि आपको डायमंड जाना है, आप स्टेज पे आइए, फंक्शन में आइए और आप, आपका बिजनेस को बहुत ही बड़ा बना सकता है। विश यू गुड लक एंड गो डायमंड। थैंक यू। जोरदार ताली हिना के लिए दोस्तों। ये बिजनेस कितने लोगों को बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है। तकलीफ क्या है पता है? लोग प्लान दिखाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं पता है? लोग ना बोलते हैं। हेलो, सही बात है कि नहीं? सब प्लान दिखाने के लिए तैयार है, लोग रोज के 8 प्लान दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन कोई मना करे ना। मने मेरे को मना कर दिया, लोग ऐसा सोचते मेरे को मना कर दिया। अरे भाई तू कौन सा तोप सिंह है? आज भी कांटी गाला को और कुमार को लोग मना करते हैं तो तुम्हें भी कर देंगे। प्लान दिखाते रहना है दोस्त, रिलैक्स रहो। अगर आपने ये बिजनेस में साइन किया है, ब्रीथ सिस्टम को फॉलो करते हो, तो आज नहीं तो कल आप डायमंड जरूर बनने वाले हो। हेलो, रिलैक्स। कभी डॉक्टर के पास गए हो? डॉक्टर के पास किसी ने इंजेक्शन लगवाया? इंजेक्शन यहां पीछे क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाओगे रिलैक्स तो आराम से जाएगा, आराम से निकलेगा, तो क्या होगा? वो सोए इधर उधर चला जाएगा। हेलो, तो तकलीफ करेगा। सेम ये बिजनेस में रिलैक्स। कोई मना करता है उसको बोलो थैंक यू, क्यों? तो बोले हमारी ब्रिट वर्ल्ड वाइड की मीटिंग में आ जा, वहीं पर सिखाते हैं। रिलैक्स। आएगी नेगेटिविटी, आएगी, लेकिन नेगेटिविटी का टोपला, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? टोपली, टोपला क्या बोलते हैं? टोकरा, टोकरा सही वर्ड। वो नेगेटिविटी का टोकरा लेके घूमोगे तो एक दिन उसके नीचे दब जाओगे। हेलो, एक बार एक शिष्य ने गुरु को बोला कि यार मेरी लाइफ में बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। उसकी सोच में सिर्फ तकलीफ था। गुरुजी ने सोचा इसको कैसे समझाऊं। गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ा और एक तालाब के पास ले गए। उसने, गुरुजी ने एक ग्लास दिया, ग्लास पानी का ग्लास दिया, उसको बोला तालाब में से पानी भरो। वो लड़के ने पानी भरा, गुरुजी ने बोला कि ये नमक है, एक मुट्ठी नमक लो और ग्लास में डाल दो। उसने एक मुट्ठी नमक लिया, ग्लास में डाला, गुरुजी ने बोला अभी पी जाओ। वो जैसे ही पानी अंदर लिया उसने निकाल लिया। क्यों? बहुत खारा लग रहा है। गुरुजी को बोला बहुत खारा लग रहा है, ज्यादा पीऊंगा तो वॉमिट हो जाएगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, ये दूसरा ग्लास पकड़। उसने बोला अभी एक नमक, एक मुट्ठी सेम नमक ले और तालाब में डाल दे। उसने तालाब में नमक डाला एक मुट्ठी। उसके बाद गुरुजी ने बोला अभी वापिस ग्लास में पानी ले। उसने वापिस पानी लिया, बोले अभी पी जा। वो धार 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 पी गया। गुरुजी ने बोला क्यों, अभी वॉमिट नहीं हुआ? तो बोले नहीं। तो बोले खारा नहीं लगा? नहीं। तो गुरुजी ने यही बताया उसको, बेटा तकलीफ को अगर बड़ा बना लोगे तो वो आपको तकलीफ देगी, अगर तकलीफ को आप अगर फेंक दोगे, भूल जाओगे,
तो आप एक बार एक दिन बड़े इंसान बन जाओगे दोस्तों, तकलीफ तो रहेगी लेकिन उसको भूलना सीखना पड़ेगा। और ये सिस्टम ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम, और यहाँ पर आओगे तो वो तकलीफ आपके लिए तकलीफ नहीं रहेगी, और आप भी एक दिन यहाँ पर डायमंड बन के आएंगे और आपका भी हैंड रेजिंग होने वाला है। क्या तैयार है? सब कह सकते हैं आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड।